आज भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनियन के सदस्य व किसान उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार के द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया था, तो वहीं प्रदेश की पुनर्गठित नई सरकार के द्वारा भी अभी तक किसानों की किसी मांग को पूरा नहीं किया गया है। आज भी किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। 700 किसान जबलपुर जिले में हैं जिनका भी गेहूं का भुगतान नहीं हुआ है, उनका भी भुगतान तुरंत किया जाए। जबलपुर जिले की सारी नहरें बंद हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा, नहरें तुरंत खोली जाएं और खेतों में पानी पहुंचाया जाए। विद्युत मंडल की लापरवाही से किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, वो भी काम तुरंत दुरुस्त करके किसानों को पूरी पूरी लाइट प्रदान की जाए, जिससे उनका कृषि का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। ये सारी परिस्थितियों को लेकर के 5 बिंदुओं पर हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी जांच में आएगा वो हम करेंगे।